फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्र अधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना रामगढ़ पुलिस व SOG टीम द्वारा थाना रामगढ़ क्षेत्रांतर्गत चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने दो व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस की घेराबंदी व जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त कमलेश के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में तथा साथ ही अभियुक्त अवधेश को गिरफ्तार किया गया। देखिए, 10 तारीख को एक जो है बॉडी मिली थी कन्हैया नाम के लड़के की, उसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या का। उसमें आज ही PC हुई थी, आज दो लोग जो उसमें मुख्य अभियुक्त थे वो लोग भागे हुए थे। आज सूचना मिली थाना रामगढ़ पुलिस को कि दो अभियुक्त उसके अवधेश और कमलेश जो है अपने गांव से निकलने वाले हैं। इसकी जो है घेराबंदी की गई, ये चनौरा पुल के पास जो है दोनों व्यक्तियों की घेराबंदी की गई। इसमें से जो है उनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति कमलेश को जो है पैर में गोली लगी है, दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ से भाग गया, कॉम्बिंग की गई, उसको भी पकड़ लिया गया है और आगे इसमें जो है आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।